त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके बाद जिले के शस्त्र धारकों के हथियार जमा करने को कहा गया था और हथियार न जमा करने वालों के खिलाफ पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए थे। वहीं थाना प्रभारी डीके सिंह ने सभी हथियार धारकों को 3 दिन का मौका और दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर हथियार ना जमा करने वालों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। जमा कराने के लिए गांव-गांव जा करके मुनादी करा के कोटवारों से और स्वयं मीटिंग लेके जनसंवाद लेके शस्त्र जमा कराने के लिए उनको जानकारी दी जा रही है। लेकिन मेरा लोगों से यह अपील है कि जो लोग अभी तक शस्त्र नहीं जमा करे हैं, यदि 3 दिवस में वो शस्त्र नहीं जमा करते हैं तो उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो लाइसेंसधारी होल्डर हैं और शस्त्र उनके पास है, वह शीघ्र 3 दिवस के अंदर 100% शस्त्र अपने जमा कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।